बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अरवी आलू का सालन। तो आइए बनाना। मज़ेदार अरवी आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन करते हैं मीडियम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डालते हैं। ये हाफ कप ऑयल ऐड किया है, ऑयल गरम हो जाए। ऑयल गरम हो चुका है, एक किलो मैंने अरवी ली है और इसको धो के अच्छी तरह देखें इस तरह कटिंग कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे सबसे पहले। तो ऑयल गरम हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरवी डालेंगे डाल के और इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। थोड़ी लेसली होती है तो फ्राई कर लें तो मज़े की भी बनती है और इसकी लेस भी ख़त्म हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह मिक्स करके ऑयल में और हम कवर करके रख देते हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे, जब फ्राई हो जाएंगी तो इनको निकाल लेंगे। ये देखें हमारी अरवी अच्छे से फ्राई हो रही है और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे, देखें कलर चेंज हो रहा है। अब हम इस तरह करेंगे, मैंने एक आलू जो है काट के रखा है छोटा छोटा, ये देखें स्लाइस में, इसको भी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह, और इसको भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी अरवी और आलू दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं और हमारी सब्ज़ी अच्छी सी फिर हम तैयार करेंगे मसाला इसका। चलें इसको मैं 5 मिनट कवर करके रखती हूँ, अच्छी तरह कलर चेंज हो जाए, फ्राई हो जाए, फिर मैं आपको। अब ऑलमोस्ट हमारी जो अरवी है गल भी चुकी है और कलर भी देखें इसका चेंज हो चुका है, लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको ऑयल में से एक डोंगे में निकाल लेंगे। चलो मैं इसको निकाल लूँ फिर मैं आपको। हमने देखें अरवी आलू, माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और ये ऑलमोस्ट गल भी चुके हैं, इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसी ऑयल में एक प्याज बारीक काट के और उसको इसमें ऐड करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाह। इसी ऑयल में हमने प्याज डाला है, ये देखें व्यूअर्स हमारा जो अनियन है वो अब कलर चेंज कर रहा है, लाइट गोल्डन की तरफ आ रहा है। बस अब ये 1 मिनट में हो जाएगा, फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। बस इसमें मैं अब इसका कलर देखें चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ये देखें कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह। तो हम इसमें बस 1 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट ऐड करूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनकी जो है प्यूरी बना ली है, मैं इसमें वो ऐड करूंगी। लहसुन भी हो चुका है, ये मैंने 2 टमाटरों की प्यूरी बना ली है बिस्मिल्लाह। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं पेस्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चलो मैं इसको कवर करके रखती हूँ, ये गरम मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और टमाटर में भी अच्छी तरह गल चुके हैं और अच्छी तरह हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। तो ये स्पाइस हैं, ये ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। इसको इसमें ऐड करके हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे। ज़रा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएँ बिस्मिल्लाह। ये मैंने थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इसमें हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखें ऑयल साइडों पे आ चुका है
अब जो हमने आलू और अरबी को फ्राई करके रखा है वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मसाले में अच्छी तरह मिक्स करके ताकि ये हमारी अरबी और आलू मसाले में अच्छी तरह घुल मिल जाए। चलिए इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ, ज़रा मसाले में भून लें, फिर हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करेंगे। ये देखें हमारी अरबी जो है आलू अच्छे तरह मसाले में घुल मिल चुके हैं, अच्छी तरह हमने इनको भून लिया है मसाले में और ऑलमोस्ट ये गले हुई है क्योंकि हमने फ्राई किया तो उसमें गल गया। अब इसमें हम 1/2 गिलास वाटर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम करते हैं तो कम। बस ये पक के इसमें गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रह जाएगी। मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी अरबी आलू की मज़ेदार सब्ज़ी देखें तैयार हो चुकी है। बस हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और मैंने इसमें अब ये हरी मिर्चें हैं काट के रखी थी ये मैं इसमें डाल दूंगी और उसके अलावा भी रख दूँगी। ये हमारी मज़ेदार सी अरबी आलू का सालन तैयार हो गया है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।